हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है मैट्रिसेस। तो हम मैट्रिसेस के बारे में समझेंगे और इसका मीनिंग समझ के हम इसमें पॉइंटों में काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी डिटरमिनेंट के चैप्टर में, क्योंकि डिटरमिनेंट का चैप्टर विदाउट मैट्रिसेस सॉल्व नहीं हो सकता गाइस। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, उसे समझना आपके लिए काफी जरूरी होगा। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस के चैप्टर को। ओके, तो समझते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए, पहले तो बात समझते हैं मैट्रिक्स। देखिए, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है मैट्रिक्स की। क्यों नहीं है स्पेसिफिक डेफिनेशन, उसका मैं रीजन समझा देता हूं आपको कि जब मैं मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं नेम ही मैट्रिक्स का लेके चल रहा हूं। क्या मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ इन नंबर्स और फंक्शंस, सच एन अरे इज एनक्लोज्ड बाय दिस। नहीं आई होगी कहानी समझ में, क्या कहना चाह रहा है मैट्रिसेस का। आइए अब समझाता हूं, पूरी बात को बहुत एक्सप्लेन करता हूं और ध्यान से समझना इस बात को, मैट्रिसेस को। देखिए, वो कह रहा है कि जो भी मैट्रिसेस होगा इस तरह के एक एनक्लोज्ड रेक्टेंगुलर फिल, रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट होता है कोष्ठक, इस तरह के कंडीशन में फिल किया जाएगा। यानी मतलब क्या है, जो मैट्रिसेस होता है वो इस तरह की या तो फिगर होनी चाहिए या इस तरह की कोई फिगर होनी चाहिए, यानी एनक्लोज्ड बनना चाहिए जिस आप ब्रैकेट्स में किसी कंडीशन को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वो कंडीशन के लिए ये जो फिगर बनाएगा, ये फिगर दोनों के दोनों डिफाइन करेंगे किसको, मैट्रिसेस को डिफाइन करेंगे, एक रेक्टेंगुलर अरे को डिफाइन करेंगे जो एनक्लोज फिगर को रिप्रेजेंट करती है, पहली बात। दूसरी चीज, जब हम मैट्रिसेस को लिखते हैं तो मैट्रिसेस को लिखने का पैटर्न होता है, हमेशा ध्यान रखना, मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो मैंने इस रेक्टेंगुलर अरे के एनक्लोज फिगर में जो फिल की एंट्री, इसे हम या तो एंट्री बोलते हैं या इन्हें एलिमेंट्स बोलेंगे, सभी को, ये जो आ रहे टोटल, इन सबको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। क्या कहा, जो इस रेक्टेंगल के अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, तो एंट्री या बोलते हैं एलिमेंट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ इफेक्टिव चीज है, ठीक है गाइस। यहां तक बात समझ में आ गई, अब इसका मीनिंग समझिए। जो मैंने लिखा हुआ है ये इट्स अ वेरी यूनिवर्सल चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चीजें ये फिक्स्ड है, ठीक। क्या फिक्स्ड है, पहली बात, मैट्रिसेस को लिखने का पैटर्न ये होता है या ये वाला ब्रैकेट होता है। दूसरी चीज, जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ये भी फिक्स्ड है। अब इनका मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग बात समझते हैं, फिर मैं इनके टाइप्स से डिफाइन करूंगा, वहां समझाऊंगा कि मैट्रिसेस का प्रोसेस क्या रहने वाला है हमारे पास। फिलहाल अभी इनके मीनिंग के बारे में समझते हैं, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स या एंट्री। A11 का मीनिंग क्या होता है, A11 का मीनिंग है रो और कॉलम। क्या होता है, रो और कॉलम। अब ये क्या प्रॉब्लम है रो की एंड कॉलम को लेकर, तो मैं आपको समझाता हूं। मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया A11 को लेकर कि 11 का मतलब क्या होता है, रो एंड कॉलम। अब ये रो क्या है एंड कॉलम क्या है, समझिएगा इस। देखिए, रो होता है जो हॉरिजॉन्टल होती है, ये सभी हॉरिजॉन्टल है, ये होगी इसकी रो। जितना वर्टिकल वाला पार्ट होगा ये सभी वर्टिकल हो गए, तो ये होते इसके कॉलम। तो इट मीन्स यदि मैं बात कर रहा हूं तो रो हमेशा ऐसे होती है, कॉलम हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं। यहां तक बात अब आपको समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। तो जब भी आप रीड करेंगे तो रो को रीड करने का प्रोसेस क्या होगा गाइस, जैसे आप लिख रहे हैं अपने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये कितने देखे, ये है रो 1, 2, 3, तीन रो है। कॉलम कितने, 1, 2, 3, थ्री कॉलम्स हैं। पॉइंट समझ में आ गया। तो हमेशा जब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, पहले रो को रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर दैट कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो कितनी है, रो को लिखने का तरीका होता है आई से, कॉलम को लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका होता है जे से,
ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एम से, रो को एम से, जे को एन से, फिक्स नहीं है ये चीज, फिक्स नहीं है ये वाले पॉइंट, लेकिन आई जे फिक्स है। आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे प्रेजेंट करता है कॉलम को, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। ओके तो गाइस मेन पॉइंट अब ये आया, तो जब मैं बात करूं तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये 3x3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है ऑर्डर, यानी जो मेरा मैट्रिसेस है वो कितने ऑर्डर का है, जो मेरा मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है। अब बड़ी बात समझ में आ गई होगी आपको गाइस। तो गाइस मेनली बेसिकली आपने रो और कॉलम भी समझ गए कि रो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 11 को लेकर, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 का मीनिंग होता है। जो भी यहां लिखा होगा हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बोला जाएगा। 1, 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, यानी सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आई होप अब आपको ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इनको रीड करना अब आपको अच्छे से समझ में आ गया गाइस। ओके तो यानी गाइस जब आपने यहां समझा इस बात को कि भाई 3 रो 3 कॉलम है तो क्या बन गया 3x3 का मैट्रिक्स, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे मैट्रिक्स के केस में, हमेशा जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं गाइस तो आंसर भी मैट्रिक्स का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब सॉल्यूशन आएगा मैट्रिक्स का वो सॉल्यूशन भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। इसकी वैल्यू कभी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आती। न्यूमेरिकल का मीनिंग सिंपल जैसे 2 आ गया, सिंपल 3 से 3 आ गया, सिंपल 4 आ रहा हूं, इस तरह से नहीं आएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे आएगी? हमेशा मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब दिमाग में क्लिक करेगा क्या मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के ही पॉसिबल है? नहीं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स 1x1 का भी हो सकता है, मैट्रिक्स 1x2 का भी हो सकता है, मैट्रिक्स 2x1 का भी हो सकता है, यानी मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो ऐसे पॉसिबल नहीं है, मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर के भी होते हैं और सेम ऑर्डर के भी होते हैं। आइए अब डिस्कस करता हूं मैं मैट्रिक्स के बारे में, इसी में चीजों को लेकर कि मैट्रिक्स के हम ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं ऑर्डर के बारे में बात करूंगा फिर उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं ऑर्डर बताता हूं आपको, ऑर्डर कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में लिखा 1 2 3 5 7 9, मैं पूछ रहा हूं बता भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपने मुझे ऑर्डर बताया, रो काउंट करी, पहले का रो कितनी है 1 2, रो है 2, कॉलम कितने 1 2 3, कॉलम हो गया 3, तो 2x3 का ऑर्डर हो गया, दैट्स ऑल। मैंने बताया बता बेटा इसका ऑर्डर कितना होगा 1 7 3 5 2 9 0 1, इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। आपने कहा इसकी रो कितनी है 1 2, रो तो है 2, कॉलम 1 2 3 4, कॉलम है 4, तो 2x4 का हो गया। मैंने कहा बता चलिए आप मुझे इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा, इसका ऑर्डर मैं लिख रहा हूं 1 2, अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। आपने कहा केवल एक रो है, 1 रो है, कॉलम कितने 1 2, कॉलम है 2, कॉलम है 2, रो है 1, तो 1x2 का ऑर्डर हो गया। मैंने कहा चलो अब आप मुझे इसका बताओ इसका क्या ऑर्डर होगा। आपने कहा रो भी 1 कॉलम भी 1, तो 1x1 का होगा। ओके मैंने कहा बता भाई इसका ऑर्डर क्या होगा। आपने कहा रो काउंट करता हूं, पहले मैं रो काउंट की 1 और 2, रो है 2, कॉलम कितना है टोटल 1, तो 2x1 का हो गया। तो आई होप गाइस अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले उसके ऑर्डर को समझना जरूरी है। ओके गाइस अब सेकेंड जो थिंक है हमारी, वो सेकेंड थिंक है कि हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना भी आना चाहिए। यदि हम किसी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस।
तो मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, आइए अब गाइज उस बात पर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोसीजर है, कैसे करते हैं गाइज किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आइए समझते हैं गाइज, ध्यान से समझेंगे गाइज उस चीज को कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज। बस मैं उससे पहले आपको एक चीज जरूर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम मैट्रिक्स की रो लिखते हैं, रो का मतलब होता है आई, और जब हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा जे से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दो पॉइंटों को बहुत बेसिकली ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, पहले हमेशा रो आइए, उसके बाद हमेशा कॉलम आता है ऑर्डर के केसेस में, ठीक है गाइज। तो गाइज ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपसे मैट्रिक्स डिस्कस किया था, कंसेप्ट बाद में करते हैं, पहले एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है आपसे, जरूरी है वो डिस्कस करना भी आपसे। कोई मेरा मैट्रिक्स है, मैंने कहा था एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा बता इसका ऑर्डर कितना है, आपने मुझे ऑर्डर बताया ये दो रो है और तीन कॉलम है, तो 2/3 का मेरे पास ऑर्डर आ गया, 2/3 का ऑर्डर। मैंने कहा बता इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो तू नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, नहीं तो काउंट नहीं करना, एलिमेंट क्या करना है, जो ऑर्डर आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल एक और आइए, मैंने बात करता हूं इसमें 1 2 3, बता कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहले ऑर्डर बता, रो काउंट की 1 2 3, रो हो गई 3, कॉलम काउंट के टोटल 1, बता इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने, इसे काउंट नहीं करना, सीधा ऑर्डर होगी मल्टीप्लाई, कितना हो गया 3 हो गया, 3 1 3, यानी 3 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3, दैट्स ऑल। आपसे एक ने पूछ लिया भाई बता इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 7, ये लिखा हुआ है कि भाई बता इसके अंदर कितना ऑर्डर है, ऑर्डर बताना इसका, तो ऑर्डर देख 1 2 3 3, तो रो हो गई, कॉलम 1 2, कॉलम कितना हो गया 2, तो कितना हो गया आपके पास 3/2, कितना हो गया आपके पास 3/2 का हो गया यहाँ पे। आई होप अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मुझे इसके अंदर एलिमेंट बताने कितने हो गए, तो 3 2 6 एलिमेंट हो गए, पॉइंट क्लियर है गाइस, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे समझना। मैंने कहा एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम कितने टाइप से, यानी उसके ऑर्डर को हम कितने तरीके से बता सकते हैं, यदि उसके अंदर 16 एलिमेंट्स हो, एक मैट्रिक्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि उसके अंदर 16 एलिमेंट्स हो, बताइए बताइए उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 16 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए उसको कितने ऑर्डर से हम उसे लिख सकते हैं, कितने ऑर्डर से लिख सकते हैं वो बतानी है मुझे कहानी, बताइए गाइस 16 एलिमेंट्स को, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा ना 1/16 भी हो सकता है उसका ऑर्डर, 16/1 का भी ऑर्डर हो सकता है, 2/8 का भी ऑर्डर हो सकता है, 8/2 का भी ऑर्डर हो सकता है, 4/4 का भी ऑर्डर हो सकता है, क्या और भी पॉसिबल है देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो यही पॉसिबल है। तो यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर यदि 16 एलिमेंट्स है तो उसके अंदर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1/16, 16/1, 2/8, 8/2, 4/4। आपके लिए क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 15 एलिमेंट्स है तो बताओ उस मैट्रिक्स से क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। If a matrix has 15 elements, then what are the possible order it can have? ये आपको बताना है कि यदि 15 elements किसी matrix के अंदर possible है तो उसकी क्या क्या order possible है वो बताने है। ये आपका एक exam, आपको एक question है, आप इसका answer मुझे comment box में comment करेंगे, okay guys? तो ये point पे अब आपको clear हो गया। अब मैं आपसे जो discuss कर रहा था वो discuss कर रहा था guys construction के बारे में, यानी construct कैसे करते हैं, formation कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन। तो गाइस समझिए, देखिए यदि मुझे किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मेशन समझना, तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान दीजिए गाइस क्या लिख रहा है, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 का, जहां पर हुज एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय AIJ। अब ये AIJ क्या है, अब इसके बारे में समझाता हूं, ध्यान देना, इज इक्वल टू 2IJ-3। देखिए अब आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूं, ये जो AIJ बता रहा है, ये AIJ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई मैट्रिक्स मैंने A लिखा हुआ है तो उसको हम A मैट्रिक्स को हम AIJ लिख सकते हैं और इसका ऑर्डर इसके बाहर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। AIJ मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है। IJ जैसे आपको याद है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था ना ये पॉइंट 11 12 13, ये क्या था आई और ये क्या था जे, तो ये तो मीनिंग था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे,
आयो आप मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइज। तो ए आई जी का मीनिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, ए आई जी मीनिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि हम बेसिकली इस फॉर्म को समझें कि साइंस क्या है इसका, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इफेक्टिव है हमारे लिए उस लैंग्वेज को समझना, इसके स्टैंडर्ड पॉइंट को समझना। तो ए आई जी हमें क्या समझाता है, ए आई जी मीनिंग हमें समझाता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमें समझाता है। ओके गाइज, तो अब हमें उसने कहा कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कीजिए। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना मुझे, तीन तो जिसके अंदर रो हो और दो होने चाहिए उसमें कॉलम। मुझे 3x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, ठीक है। और उसमें उसने एलिमेंट बताए, जो एलिमेंट हमें लेने होंगे गाइस वो क्या लेने होंगे, 2i-j/3 इस फॉर्मूले में पुट करने उन एलिमेंटों को, जो यहां से आंसर आएगा निकल के उसमें फिल करना है। मतलब क्या है समझाता हूं, मुझे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट तैयार करना, मतलब एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, तैयार करना है। कैसे तैयार करूंगा, इस एलिमेंट के हेल्प से। कितने ऑर्डर का करना है, 3x2 का। सबसे पहले ये टारगेट होता है ऑर्डर को लिखना, ऑर्डर क्या होना चाहिए, तीन तो रो दो कॉलम्स, ठीक है, थ्री रो दो कॉलम्स, कॉलम पे दो पे रुक जाएंगे। पहले समझो A11, A12 दो कॉलम हो गए, 1 और 2। फिर उसके बाद A21, A22 फिक्स है, ध्यान रखना गाइस, A31, A32 यानी जो अभी मैंने आपने लिखवाया था ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये फिक्स होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये देखो आप ध्यान से, तीन रो हो गई क्या, 1, 2, 3, थ्री रो कॉलम, 1, 2 कॉलम, कितने हो गए, दो। तो 3x2 का हो गया, नहीं होगी मैट्रिक्स। अब आपको करना क्या है, मुझे A11 चाहिए, तो A11 की वैल्यू निकालना सिखाता हूं कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझेंगे भाई गाइस इस बात को। देखिए A11 का मतलब है आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, यहां पुट करनी है आपको एलिमेंट में, क्योंकि ये एलिमेंट गिवन है मुझे, यहां पुट कीजिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, फॉर्मूले में पुट कीजिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, जब आप पुट करेंगे कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 1/3। A12 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो यानी आई के रिप्लेस पे 1, जे के रिप्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, 2 × 1-2/3 कैलकुलेट करके आ गया 0। इस तरह से A21 यानी आई के रिप्लेस पे 2, जे के रिप्लेस पे 1 ये रख दीजिए यहां पर, आई के रिप्लेस पे 2, जे के रिप्लेस पे 1/3 कैलकुलेशन करके ये आ गया। फाइनल जब आप इसे गेट कर लोगे सीधा आंसर यहां पुट करना 11, 12, 21, 22, 31, 32 में ये फाइनल यहां बन के आ जाएगा। आई होप गाइज अब आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हम किस तरीके से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आइए गाइज एक और पॉइंट को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए गाइज क्या एग्जांपल में लिखा हुआ है, यदि मुझे कंस्ट्रक्ट करना है 2x3 मैट्रिक्स को, 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मुझे कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एलिमेंट उसने मुझे बताया i-j/i+j, पर कितने ऑर्डर करना है 2x3 का, यानी दो तो रो हो गई 3 कॉलम हो गए। अब समझो दो रो इस मैट्रिक्स की, रो 2a 3 कॉलम्स हैं, तो A11, A12, A13 क्योंकि रो इस तरह से लिखे जाते हैं, कॉलम इस तरह से चलते हैं, तो तीन रो हो गई, सॉरी तीन कॉलम हो गए, दो रो चाहिए, A21, A22, A23, दैट्स ऑल, खत्म 2x3 का। क्योंकि आपने ये कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया तो एलिमेंट्स फिल करना तो इजी हो जाते हैं, क्योंकि 11 का मतलब आई के रिप्लेस 1 रख दो, जे के रिप्लेस 1 रख दो, 12 का मतलब आई के रिप्लेस 1 रख दो, जे के रिप्लेस पर 2 रख दो, A13 का मतलब आई के रिप्लेस 1 रख दीजिए, जे के रिप्लेस पर 3 रख दीजिए, A21 का मतलब आई के रिप्लेस पर 2 रख दीजिए, जे के रिप्लेस पर 1 रखिए, A22 का मीनिंग आई के रिप्लेस पर 2 रखिए, जे के रिप्लेस पर 2 रख दीजिए, A23 का मीनिंग आई के रिप्लेस पर 2 रखिए, जे के रिप्लेस पर 3 रखिए, दैट्स ऑल। आई होप गाइस ये भी बात आपको मेरे पास अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए गाइस मैंने यहां पे यही किया है, 11 वैल्यू पुट की आई के रिप्लेस पे 1, जे के रिप्लेस पे 1, ये रहा एलिमेंट, ये एलिमेंट होता है हमेशा, यहां एलिमेंट वैल्यू पुट करेंगे, ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू यहां पुट कर दी और फिर इसको इसमें डिजाइन कर दिया वैल्यू निकाल के, दैट्स ऑल गाइस। तो आई होप गाइस अब आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि हम मैट्रिक्स किसे कॉल करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, मैट्रिक्स से क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑर्डर्स है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स से, ये हमने चीजें सीखी हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, यानी मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो भी हमने सीख लिया गाइस। ओके अब हम डिस्कस करते हैं गाइस मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, टाइप्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैट्रिक्स का टाइप्स क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ध्यान समझें गाइस। देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पे। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स,
क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स, इस बात को समझिए। रो मैट्रिक्स का कहने का मीनिंग क्या है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों बातें यही समझना, दोनों में डिफरेंस यही समझ जाना। रो मैट्रिक्स आप उसको कॉल करते हैं जिसके अंदर केवल ओनली वन रो होती है, वन रो, कॉलम चाहे कितने हो पर कॉलम भी फाइनाइट होने चाहिए, जितने मतलब ये नहीं इनफाइनाइट हो जाए, कॉलम भी फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है ना। पर रो कितने होने चाहिए, वन, इसमें लिखा 270, मुझे बताओ रो तो वन ही है, कॉलम 1 2 3, रो वन होनी चाहिए ओनली, तो सब बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये टाइप्स पढ़ा रहा हूं मैट्रिक्स के, आपको ध्यान रखना इस चीज का, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है गाइस ये, ठीक है। बात करता हूं कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स मुझे कहता है कि कॉलम तो क्या होना चाहिए, वन, चाहे रो कितनी भी हो जाए पर फाइनाइट होनी चाहिए रो भी, ठीक है गाइस, ये पॉइंट समझ में आ गया। कॉलम क्या कह रहा है, कॉलम इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो कितनी भी हो, फाइनाइट कितनी भी हो पर फाइनाइट होनी चाहिए, पर कॉलम वन ही पॉसिबल, जैसे सपोज दैट 702 ये लिखा मैंने, तो देखिए रो 1 2 3, रो तो 3 है पर कॉलम ओनली 1 है, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं रो और कॉलम मैट्रिक्स के बाद, तीसरे नंबर का मैट्रिक्स आता है मेरे पास जीरो मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स का टाइप में था, दूसरे टाइप का या तीसरा टाइप आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या समझाता है, यानी जिस मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट्स क्या आ रहे हो, जीरो आ रहे हो, ऑल एलिमेंट्स जीरो, उस हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसे, जीरो मैट्रिक्स। इसे ध्यान रखना, राइट डार्कली इतना कैपिटल इससे जीरो बना देता है, तो ये होता है जीरो मैट्रिक्स। आई होप ये भी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है गाइस कि जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही सेम हो जाए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, सेम होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, मैंने कहा कितनी रो है, दो, कॉलम कितने हैं, दो, तो 2x2 का मैट्रिक्स, 1x1 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स। यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई होप गाइस ये भी पॉइंट अब आपको मेरे अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ओके गाइस, तो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, डायगोनल मैट्रिक्स समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में समझिए। अब देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हमेशा ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है ए बी सी और इसके बाद की जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सभी जीरो होंगे, यानी डायगोनल में कोई ना कोई वैल्यू होगी और बाकी सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। आप कहेंगे सर ये भी तो डायगोनल है, नहीं गाइस ये डायगोनल नहीं होता। डायगोनल कौन से होते हैं मैं बता देता हूं, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिनके सेम होते हैं, A11 A22 A33 A44 ये डायगोनल्स होते हैं, समझ में आ गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम हो, जैसे 11 22 33 44 वो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स नहीं होंगे इसके, समझ में आ गई होगी गाइस बात मेरी। और दूसरी चीज ध्यान रखना, यानी इसके अंदर ये डायगोनल है, ठीक है, एबीसी इसका डायगोनल हो गया, ठीक है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये है 13, ये 22 और ये 31, तो पॉसिबल नहीं है ना, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्या कहा, जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, A11 A22 A33 A44 ये डायगोनल्स में आता है, ठीक है ना। और डायगोनल्स के बाद जो डायगोनल में तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, बाकी सभी एलिमेंटों की वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी, बाकी ऑल एलिमेंट्स बट डायगोनल के नीचे की वैल्यू और डायगोनल से ऊपर की वैल्यू सभी जीरो होनी चाहिए, केवल डायगोनल पे ही वैल्यू रिप्रेजेंट होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात। दूसरी चीज, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब रो और कॉलम्स दोनों ही सेम होंगे, इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत आर सेम होंगे गाइज, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहां पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कॉल करते हैं जो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दूसरी चीज इसके जो डायगोनल होता है उसके डायगोनल
A11, A22, A33, A44 को ही हम डायगनल मैप एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी डायगनल ये होते हैं केवल, और उस डायगनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स और डायगनल के ऊपर के एलिमेंट सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आप ये कॉल करेंगे डायगनल मैट्रिक्स को। यदि मैं बात करूं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में यदि मैं बात समझाऊं आपको, तो गाइस समझेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है। मैं देखिए गाइस, जब हम डायगनल के बारे में बात करते हैं तो डायगनल मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है भाई, ए आई जे इक्वल होता है जीरो के, कोई भी मैट्रिक्स से, क्योंकि लिखने का पैटर्न यही होता है। ए आई जे इक्वल जीरो के कब होगा, फॉर ऑल, जब आई की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, ए आई जे मैंने क्या कहा है, जीरो होगा, बट ये कब होगा, फॉर ऑल, जब आई की वैल्यू जे नहीं होगी। इट मीन्स ए आई, ए इलेवन, ए ट्वेंटी टू, ए थर्टी थ्री, इन सब पर कोई ना कोई वैल्यू होगी जहां आई जे के इक्वल नहीं है, जैसे ट्वेल्व, ए थर्टीन, ए ट्वेंटी वन। यहां देखो आई जे के इक्वल है क्या, नहीं है ना, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तो सिचुएशन पे उसके एलिमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो लिखेंगे। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है गाइज, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यहां तक बात आपको मेरी अच्छे से क्लियर होगी होगी गाइज, ओके। तो गाइज ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का पैटर्न है डायगनल मैट्रिक्स को। अब बात करूं यदि मैं स्केलर मैट्रिक्स, तो ध्यान से समझना स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कभी कंफ्यूज हो जाएं। ध्यान रखना ज्यादातर प्रोसेस जो होते हैं डायगनल मैट्रिक्स से आगे के सारे पॉइंट उसी पर डिपेंड करते चले जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स हम उसको कॉल करते हैं जहां पर किसी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है, ध्यान रखें गाइस स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं, जीरो कब होगा, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी, वही पॉइंट है, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं होगी। पर के कब होगा, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कब होगी, जब आई जे के इक्वल होगा। सेम वही पॉलिसी है स्केलर मैट्रिक्स की डायगनल मैट्रिक्स की, पर डिफरेंस क्या है उस पर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए उसने क्या कहा, जब कोई मैट्रिक्स बना हुआ, देखो डायगनल में कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, के होना चाहिए, के का मतलब है दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, कोई भी एज योर चॉइस, मैंने लिया टू टू टू, यहां तो टू टू हो गया, बाकी ऑल एलिमेंट्स कैसे होंगे इसके, जीरो होंगे, दैट्स ऑल, खत्म। ये टू क्योंकि डायगनल में रिप्रेजेंट हो रहे, तो डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, डायगनल में क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज होती है ए बी सी, स्केलर में क्या होते हैं, सेम होते हैं, टू 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 टू, थ्री 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 थ्री, फोर 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 फोर, फाइव 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 फाइव, ऐसे होंगे, सेम होंगे। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है स्केलर मैट्रिक्स का। आई होप गाइस ये भी पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, ओके। अब गाइस मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, जिसका मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से समझना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम डायगनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है, कोरिलेटेड बिल्कुल, क्योंकि ये ध्यान रखना डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग तो समझ में आ गया ना, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है, ओके गाइस। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कह रहा है, सेम वही पॉलिसी भाई, ए आई जे एलिमेंट ये बताना चाह रहा, जो ए आई जे होती है वो कहना क्या चाह रही है ए आई जे हमें, कि भाई ये कहना चाह रही है भाई जीरो कब होगा, भाई जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, लेकिन वन कब होगा, इफ जब आई जे के इक्वल होगा, यानी अब डायगनल में केवल वन आएगा, डायगनल में क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। कोई मैट्रिक्स है वन जीरो 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 वन जीरो सॉरी जीरो वन जीरो 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 वन, डायगनल में क्या चाहिए, वन चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए वन 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 आ गया, टू 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 नहीं, थ्री 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 नहीं, फोर 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 नहीं, फाइव 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 नहीं, सिक्स 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 नहीं, नहीं, क्या कह रहा हूं, वन 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 चाहिए। यदि वन वन आता है उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या उसे हम कॉल करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपका मैं जवाब दूंगा, टेंशन मत लो, अब मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे होंगे, स्केलर में और आइडेंटिटी में फिर क्या डिफरेंस हुआ, डोंट वरी पूरा बताऊंगा, इसके ट्रबल भी मत लीजिए आप, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कहना क्या चाह रहा है, ये इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग ध्यान रखना आई थ्री मैट्रिक्स बोलते हैं। आई थ्री का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर का। आई टू मैट्रिक्स क्या होता है, अब आई टू का मीनिंग समझ लीजिए,
आई टू का मीनिंग होता है गाइस, यानी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी 0101, वाई 10 01, ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2x2 का, इसे बोलते हैं हम आई टू मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, और आई थ्री का मतलब कितना हो गया, तीन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001। आई होप गाइस अब आपको मेरी बात यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे माइंड में क्लिक किया होगा शायद, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है चीज को समझना गाइस, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको यहां पे। देखिए गाइस, स्केलर मैट्रिक्स क्या था, अभी मैं आपका यहां जवाब दे रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से समझना। स्केलर मैट्रिक्स क्या लिखवाया था मैंने आपको, ये बताया था स्केलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, भाई जीरो कब मिलेगा मुझे, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, के कब आएगा, जब आई जे के इक्वल होगा, पहली बात। आइडेंटिटी की लिखी है आप लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, भाई ए आई जे सेम इक्वालिटी, जीरो कब होगा, जब आई जीरो के इक्वल नहीं होगा, पर लेकिन वन कब होगा, जब आई जे के इक्वल होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब के की वैल्यू कितनी आ रही होगी, वन। यदि के की वैल्यू वन है तभी एक स्केलर मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। बट कब, जब के की वैल्यू वन आ रही होगी, जब मैं के की वैल्यू वन पुट करूंगा ना तभी स्केलर आइडेंटिटी बन सकता है। लेकिन एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्या कहा भाई, स्केलर को आइडेंटिटी तभी बोला जा सकता है जब स्केलर के अंदर के की वैल्यू क्या आ जाए, वन आ जाए, ठीक है। ये तीर कमान वाली लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, भाई स्केलर को आइडेंटिटी तभी कॉल किया जाएगा जब स्केलर के अंदर के की जगह वैल्यू वन रख दो। लेकिन एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान रखना जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वे सभी स्केलर तो होते हैं, लेकिन स्केलर आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है जब के की जगह मैं उसे वन कर दूं। तो आई होप गाइस अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा, जो मेरे बिहाफ पर जो मुझे आपको समझाना था। यदि अब भी आपको गाइस कोई टेंशन परेशानी दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, डोंट वरी गाइस। ओके गाइस, आई होप ये पॉइंट आपको मेरे अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, अब कुछ बेसिक से कुछ क्वेश्चन से गाइस उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा मैट्रिक्स डिस्कस करना है मुझे, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि बहुत देर से परेशान भी कर रहा है मुझे। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या है यार, ध्यान रखो, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, पहली चीज, और ऑर्डर भी क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए। यानी पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर पहले वाले का भी दूसरा, दोनों सेम हो। मतलब जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा ए 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स ना, कोई दूसरा मैट्रिक्स लिखा बी 1 2 3 4, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ध्यान रखना। दोनों का ऑर्डर 2x2 का, इसका भी ऑर्डर 2x2 का है, सेम पोजिशन पे सभी एलिमेंट लिखे हुए हैं, सेम पोजिशन पे, तो ऐसा मैट्रिक्स बोला जाता है इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है ऐसा मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ओके गाइस, उसके बाद इसी में ही एक बनता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनेगा गाइस, कंपेरेबल क्या समझाता है मेरे को, कंपेरेबल वो छोटी सी डेफिनेशन बताता है, कुछ नहीं, जो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी सेम उसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा चेंज है। क्या, उसमें तो एलिमेंट सेम होते थे इक्वल वाले में, इसमें एलिमेंट डिफरेंट होंगे बस। यानी कोई मैट्रिक्स मैंने ए लिखा हुआ है, ध्यान देना ये 1 2 3 4 है, ये मैंने x 5 7 2 लिख दिया, तो देखो इसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, सेम। जब मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो जाए, एलिमेंट्स डजंट मैटर, एलिमेंट्स क्या रहे उससे कोई लिंक नहीं करता है, पर ऑर्डर सेम होने चाहिए। 2x2 का ऑर्डर, ये भी 2x2 का ऑर्डर, ये 3x3 का होता तो ये भी 3x3 का होता, तो उसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स हमेशा ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के बिहार पर लिख दिया आपको कि भाई बताइए ये जो मैट्रिक्स है जो मैंने आपको लिखा है, इस मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो एक्स की वैल्यू कैसे बताते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है, पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। सॉरी, कंपेरेबल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है ना, जहां पे ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए, मैटर ही करता है।
जहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है सेम होता है, तभी कंपेयर की जा सकती है। किसी चीज की कंपेयर करने का जरूर मतलब क्या है कि वहां पे ऑर्डर को सेम होना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई, ये कंपेरेबल बन गया। अब आएगी मेरी बात समझ में, नहीं आ गई आपको, ठीक है ना। तो गाइज इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो देखिए गाइज कैसे पूछता है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे कोई एग्जाम्पल लिखा, 1 ए इज इक्वल टू ए 3 टू सी 1 बी 2 7, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ 2 ए 3 2 सी 1 बी 2 2, आपस में कोई मैट्रिक्स है, आपस में लिखे हुए इक्वल, कंपेरेबल करना है क्योंकि कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो बता रहा है कि बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू। तो कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 3, सी की वैल्यू कितनी होगी 2। तो यानी एक चीज आपने देखी है कि एवरी कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या बन गए, यदि हम इस चीज को समझे, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है इसलिए कंपेरेबल किया जा रहा है। समझ मेरी बात को, भाई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब पॉसिबल है, भाई इक्वल मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, जब इनके ऑर्डर सेम हो जाएंगे, एलिमेंट सेम होंगे तभी तो इक्वल बन सकता है। तो इक्वल तभी पॉसिबल होगा जब मैं इसे कंपेयर कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, कंपेयर। और कंपेयर कब की जाएगी, जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर सेम होने पर ही कंपेयर की जा सकती है, अदरवाइज कंपेयरिंग नहीं की जा सकती। गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप गाइस अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दिमाग में चल रहा होगा कंपेरेबल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, यस हो जाते हैं, देख भी रहे हैं आप, एलिमेंट सेम ही तो हो गए बेटे। अब यहाँ पे कोई चेंज थोड़ी हुआ, यहाँ पे आप बताइए मुझे, अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ चेंज नहीं हुआ, एलिमेंट भी सेम, सब कुछ कंडीशन सेम है, ओके। तो गाइस अब इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो ये है, मैट्रिक्स से लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड कीजिए एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू। वही सिंपल सी बात, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर, चौथे एलिमेंट को चौथे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग करके आपके पास इक्वेशन बनेगी 4, 1, 2, 3, 4, चार इक्वेशन बनेगी। आपको एक्स वाई वाली इक्वेशन उठानी है, एक एक्स वाई वाली ये इक्वेशन, एक फर्स्ट होगी एक थर्ड हो गई। फर्स्ट और थर्ड को लेकर एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाकर वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, वो कितनी होगी फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने लिख दिया ऑन सॉल्विंग एंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड से आपने सॉल्व किया एक्स वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2। सेकंड और फोर्थली, सेकंड और फोर्थ से आपने एक्स और जेड की वैल्यू निकाल ली, एक्स इसमें जेड है क्योंकि यहां देखो सेकंड और फोर्थ में क्या किया आपने, सेकंड में एक्स की वैल्यू निकल चुकी थी वो वैल्यू यहां पुट कर दिया, जेड का सोल्यूशन यहां से निकल गया। फोर्थ में लिया जेड का सोल्यूशन ऊपर से निकल कर आएगा, उसे यहां पुट कर दे डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दी। तो मेन टारगेट रहा आपको एक्स और वाई में एलिमिनेशन लगाने का, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेम फेस के थे, जब फेस सेम के थी तो हमने एलिमिनेशन लगा के वहां से एक्स या वाई के कोएफिशिएंट को इक्वल करके सॉल्यूशन निकाल लिया। तो यहां से हमें एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लेक्चर करेंगे मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबिलिटी होती है, स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई पॉसिबल है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एडिशन डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और गाइस उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो लास्ट वीडियो रहेगी थर्ड नंबर की वीडियो, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा सारा का सारा टोटल इनवर्स, यानी हम कैसे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाली फाइनल वीडियो में, ओके गाइस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके, थैंक यू सो मच गाइस।